आज सभी लोग खाने में गरम मसाले का यूज करते हैं। मार्केट से आप किसी भी कंपनी का गरम मसाला खरीद लीजिएगा, लेकिन घर पर बने मसाले से बेहतर वो नहीं होगा। तो चलिए आज इसी गरम मसाले को बनाकर खाने को टेस्टी बनाते हैं। नमस्कार, आप सभी का आपके चैनल होममेड बाजार पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह परिवार हैप्पी है और हेल्दी है। मेरे परिवार से मेरा अनुरोध है कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, काम के लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आपको इस तरह की नेचर से जुड़ी और हेल्दी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा टाइम ना लगाएं, जल्दी से गरम मसाला बनाएं। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है, इसके ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम कुछ साबुत मसालों को हल्का सा भूनेंगे। तो कढ़ाई गरम हो गई है, मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी, क्योंकि लो फ्लेम पर हमें सभी मसालों को हल्का सा भूनना है। अगर फ्लेम तेज़ रहेगी तो हमारे मसाले जल जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक कप साबुत धनिया लिया है, इसे कढ़ाई में डाला है। अब इसे लगातार चलाएंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर लो है, लो फ्लेम में ही हमें सभी मसालों को हल्का सा भूनना है। अगर इसके अंदर कोई कचरा आपको दिख रहा है तो आप उसे निकाल देंगे। इसके अलावा थोड़ी सी देर आप इसे चलाएंगे और आप इसमें से एक दाना लेंगे और उसे दबाकर देखेंगे। अगर वह अच्छे से टूट रहा है तो आप समझिएगा कि यह भून चुका है। धनिया हमारा भुन गया है, इसे मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया है। कढ़ाई को मैंने दोबारा गैस पर रख दिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ नॉर्मल जीरा, जो हम खाने में यूज करते हैं तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 4 टीस्पून यह जीरा लिया है, यह नॉर्मल जीरा है। अब यहाँ पर मैंने लिया है शाही जीरा। इन दोनों में देखिए फ़र्क है, आपको दिख रहा होगा। जो शाही जीरा है उसका कलर थोड़ा डार्क होता है और साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, और जो नॉर्मल जीरा है वो थोड़े लाइट कलर का होता है। तो जो नॉर्मल जीरा है उसका लिया है मैंने 4 टीस्पून, और जो शाही जीरा है उसका लिया है मैंने 2 टीस्पून। तो यहाँ पर देखिए, आप दोनों में कलर में फ़र्क देख पाएंगे। ये देखिए दोनों में के कलर में फ़र्क है। अगर आपको शाही जीरा नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल जीरे का ही यूज करें, लेकिन यह पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद इन्हें हल्का सा चलाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि मसाले जलने नहीं चाहिए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून सौंफ। तो इसे हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लौंग। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून लौंग इसमें डाल रही हूँ। आप बीच बीच में इन मसालों को चलाते भी रहें ताकि ये अच्छे से भुने। इसके बाद इसे थोड़ा सा चलाएँगे ताकि अच्छे से ये भुन जाए और नीचे जले ना। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून काली मिर्च। इसे ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड की है छोटी हरी इलायची। तो यहाँ पर 2 टीस्पून छोटी हरी इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी है। इन सभी मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक इसमें से महक नहीं आने लग जाती। आप इस तरह से हाथ से टच करें तो थोड़े क्रिस्पी आपको ये लगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको इन्हें भूनना है, जलाना नहीं है। मैंने गैस को बंद कर दिया है और इन सभी मसालों को अब मैं धनिए के ऊपर ही निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, लेकिन गैस को ऑन नहीं किया है। कढ़ाई अभी भी गर्म है। इसके बाद मैंने इसमें लिया है 5 चक्रीफूल और इसमें डालेंगे 5 काली इलायची यानी बड़ी इलायची। साथ में डालेंगे 2 दालचीनी की स्टिक। तो यहाँ पर देखिए, इन्हें भी हम ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 जायफल। यहाँ पर जो जायफल मैं यूज कर रही हूँ वो छिलके के साथ हैं। अगर आपको बिना छिलके वाले जायफल मिलते हैं तो आप उनका यूज करें। मुझे यही मिले तो मैंने इन्हें डाला है। बाद में इनका छिलका हम निकाल लेंगे। इसके बाद इन्हें हल्का सा गर्म करेंगे ताकि इनके अंदर जो नमी है वो दूर हो जाए और ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। मैं दालचीनी को इस तरह से तोड़ दूंगी क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ तेज़पत्ता। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 5 तेज़पत्ता इसमें डाले हैं। इसके बाद डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। तो यहाँ पर देखिए, मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। गैस यहाँ पर बंद है। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें डाली है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जावित्री। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 जावित्री लिया है, इन्हें इसमें डालेंगे। गैस यहाँ पर बंद है। इन सभी को हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 3 सूखी लाल मिर्च ली है, इसे ऐड किया है। इसके बाद इन्हें हल्का सा मिक्स कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि कढ़ाई ठंडी हो गई है और ये चीज़ें अच्छे से गर्म नहीं हुई है तो आप गैस को फिर से थोड़ी सी देर ऑन कर दें, लेकिन लो रखें और इन्हें हल्का सा भुनें। देखिए सभी चीज़ अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। यह छिलका है, इसे हम रिमूव कर लेंगे पीसने से पहले। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको इन चीज़ों को क्रश करके दिखा रही हूँ। सभी चीज़ें अच्छे से क्रश हो रही हैं, तो इसका मतलब हमारी ये सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इन सभी मसालों को हम कढ़ाई से निकाल कर जो पहले मसाले हमने भुने थे उनके अंदर मिक्स कर देंगे। हमारे सभी मसाले भुनकर तैयार है। बस अब हमें इन्हें ठंडा करना है, और जब बिल्कुल ये ठंडे हो जाएंगे इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले इन्हें ठंडा होने देते हैं। देखिए, हमारे सभी मसाले ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसके अंदर सबसे पहले मैं तेज़पत्ता को इस तरह से तोड़कर डाल दूंगी। इसके बाद इसमें 2 जायफल हमने डाले थे, उन्हें हम निकालेंगे क्योंकि इनके ऊपर इनका छिलका है। छिलका निकालने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इन्हें हम साइड में रख देते हैं पहले, और बाकी के जो सभी मसाले हैं इन्हें मैं जार में डाल लूँगी। देखिए, मैंने सभी मसालों को इस तरह से जार में डाल दिया है। अब हम जायफल को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जिसे अदरक कूटते हैं उसे लिया है। अब इसे हल्का सा इस तरह से कूटेंगे तो इसके ऊपर जो छिलका है वह निकल जाएगा।
इसके बाद इसके अंदर से जायफल निकला है, इसे भी मैं छोटे टुकड़ों में करूँगी और इसके बाद इसे इस मसाले में ऐड करेंगे। तो इसी तरह से मैं दोनों जायफल का छिलका निकाल कर उन्हें हल्का सा कूटूंगी और उसके बाद इन्हें मसालों में डाल दूंगी। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए मैंने इसे इतना ग्राइंड कर लिया है। आपको ग्राइंड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप मिक्सी को रुक रुक कर चलाएंगे, कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे फिर रुकेंगे, उसके बाद फिर से चलाएंगे। अगर आपने लगातार मिक्सी को चला दिया तो हमारे जो ये मसाले हैं ये अपना ऑयल छोड़ देंगे, जिससे हमारा यह गर्म मसाला अच्छा नहीं बनेगा। तो आप मिक्सी को रुक रुक कर चलाएंगे और सभी मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सभी मसाले साबुत हैं इसलिए ग्राइंड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मिक्सी को रुक रुक कर ही चलाना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसे इतना ग्राइंड किया है, आप जितना बारीक इसे ग्राइंड कर सकते हैं उतना बारीक ग्राइंड कर लें। तो मैं इसे थोड़ा सा और ग्राइंड करूँगी, इसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है। ग्राइंड करने से पहले हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, जो कि है सोट पाउडर। अगर आपके पास सोट का पाउडर नहीं है और सोट है तो आप उसे अच्छे से कूटेंगे और इसके बाद मसालों के साथ ही ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर पाउडर यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने बाद में डाला है। मैंने इसमें 2 टीस्पून सोट पाउडर डाला है। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, अब यह बहुत ही बारीक पाउडर बन गया है और बिल्कुल जैसा मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा ही, और हमारा यह गर्म मसाला बनकर तैयार है। मैंने इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद हम इसे किसी जार में भर कर रख लेंगे। यहाँ पर मैं कांच के जार का ही यूज कर रही हूँ। खाने पीने की चीज़ों को जितना हो सके आपको ग्लास के जार में ही स्टोर करना चाहिए और प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं इसे इस जार में डाल लेती हूँ और हमारा यह गर्म मसाला बनकर तैयार है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे अच्छे से स्टोर करना है। आप इसे किसी एयरटाइट डब्बे में भरकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपको इसे यूज करना हो, जितने मसाले वाली सब्ज़ी आपको खाना पसंद है उस हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं और लाजवाब सब्ज़ी का आनंद ले सकते हैं। तो आप भी एक बार मार्केट वाला गर्म मसाला छोड़कर इस तरह से घर पर गर्म मसाला बनाएं और इसका टेस्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हम सभी के साथ शेयर जरूर करें। आई होप आज की यह वीडियो मेरे परिवार के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मैंने अपने परिवार के साथ शेयर किया है, आप अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। धन्यवाद।